जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यानी कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने पढ़ के यानी कि पढ़ाई करके पेपर देने गए थे BSF RORM का। तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पर, आप सबको पता होगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि मैंने देखा यूट्यूब पर यार कुछ भी चल रहा है। कोई बोल रहा है 40 से 50 नंबर लेके आओ और रनिंग की तैयारी करो, कोई बोल रहा है 30 नंबर लेके आओ जो हो जाएगा, ऐसा लगता है वो खुद ही डिसाइड कर रहा है कट ऑफ। अरे यार, मतलब कुछ तो लॉजिक होता है ना। तो वही चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने देखा यार कोई भी यार कुछ भी बताया जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं अपनी तरफ से एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ है मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है पिछली बार के एग्ज़ाम का और इस बार के एग्ज़ाम का, और दूसरी बात है कि मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं मारने वाला हूँ कि कुछ भी बता दिया और चले गए। और हाँ, एक चीज़ और है कि इस वीडियो से थोड़ा सा किसी लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, जिनके काफ़ी ज़्यादा कम नंबर हैं तो उनको बुरा लग सकता है। देखो यार, बुरा लगना नहीं है, आप लोग अगले बार के लिए अच्छी प्रिपरेशन करें। और अगली बार क्या, इतनी सारी वैकेंसी आ चुकी है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ इस चैनल पर, तो आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है। जैसे आपने आज ही देखा कि SSC GD की वैकेंसी बढ़ गई, ठीक है, GDS में वैकेंसी आ गई बहुत ज़्यादा, 60,000 वैकेंसी आ गई। भाई यार, अभी आप लोग देखो, पता तो करो कितनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं, यानी कि BSF RORM के बारे में। तो पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एग्ज़ाम जो था दिल्ली में था, मैं भी एग्ज़ाम देने गया था। फिलहाल मैंने सिर्फ RO का दिया है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, RM का मैंने नहीं दिया है, क्योंकि उस टाइम जब मैंने फॉर्म भरा था मैंने सिर्फ ऐसे ही भर दिया था और मेरा RM का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उसमें अलग अलग फीस पड़ रही थी, तो फीस की वजह से मैंने नहीं भरा था। मैं सीधे से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसे की दिक्कत रहती है तो समझते हो यार, इतना चलता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, RO का मैंने दिया है। तो और RM का मैंने दोस्तों से बात करके भी किया है, काफ़ी दोस्तों ने मेरा एग्ज़ाम दिया है। अगर हम पिछली बार की कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ आपकी पिछली बार गई थी, आप सबको पता होगा कि 90 नंबर अप्रॉक्स गई थी, +5 -5, वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है। 90 नंबर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, पिछली बार की कट ऑफ गई थी। आप सबको पता होगा कि पिछली बार उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, 2019 में पेपर हुआ था और अब 2022 में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है, आप सबको पता होगा। अब हर चीज़ का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप पेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, पिछली बार कितना था इस बार कितना है, ठीक है, तो वो चीज़ वैरी करती है ईयर टू ईयर। पर हम बात करते हैं कि कितने नंबर वालों को तैयारी करनी चाहिए। तो देखो यार, एकदम जेन्यून अगर मैं बताऊँ तो, अगर आप खुद से पूछें, आप ये पहले चीज़ आप ये डिसाइड कीजिए कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक, और अगर आपको डिसाइड करनी हो कट ऑफ कितनी जाएगी, कि अप्रॉक्स जो सेफ स्कोर रहने वाला है, आप क्या डिसाइड करेंगे? क्योंकि यार, अगर आप खुद को देखेंगे कि आपके अगर मान लो 70 नंबर बन रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे यार 70 नंबर से कम ही चली जाए कट ऑफ, तो मेरा भी हो जाए। देखो, सबका ये होता है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं भी आशा करता हूँ कि चलो कम कट ऑफ चली जाए, सभी का हो जाए, लेकिन यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ जेन्युइन तरीके से आपको समझनी होगी, और रोज़ रोज़ कट ऑफ या रिजल्ट ये सब देखने से कोई यार फ़ायदा नहीं है। और कोई बता रहा है 40 नंबर पर तैयारी करो, मैंने देखा यूट्यूब पर वीडियो, आज मैंने ऐसे सर्च किया तो उसमें देखा कोई 30 नंबर लेके और रनिंग करो, 20 नंबर वाले भी रनिंग कर सकते हैं। अरे बताओ, 20 नंबर यार, मतलब कोई मजाक ही बना कर दिया। तो एक चीज़ रियल बताता हूँ कि अगर कट ऑफ बात करें, तो देखो सबसे पहली बात है, अगर 100 नंबर से कम है तो मैं यही चाहता हूँ कि कट ऑफ कम जाए, सभी का हो जाए, बुरा लगने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 100 नंबर से कम है तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस उतना ना कीजिए, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद फोकस कर सकते हैं अगर हो जाए तो। लेकिन अगर 100 नंबर से कम है तो आप बिल्कुल इस पर ध्यान न दीजिए कि मैं रनिंग कर रहा हूँ इसके लिए पूरी भाई नेवी की वैकेंसी आ गई, नेवी में इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, सभी को मौका मिलेगा, सभी को एडमिट कराएंगे, उसकी तैयारी कीजिए। एयरफोर्स आ गया, उसमें तैयारी कीजिए, GDS आ गया, उसमें भी एग्ज़ाम होगा इस बार, अब मेरिट के बेस नहीं, अब मैं सब कुछ बताऊँगा उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में, बहुत आ गई हैं। तो रोजगार मेला चल रहा है, आप सबको पता ही होगा, 10 लाख वैकेंसी देने का सरकार ने वादा किया है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे ये बात की गई है। अब बात करते हैं 100 नंबर से कम वाले, तो यार भाई बिल्कुल तैयारी ना करें, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। 100 नंबर से कम है आपके तो आप किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर हम बात करें मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर जिनका है, अगर आपके 110 के आसपास बन रहे हैं नंबर, 110 से 115 के आसपास बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप 115 प्लस हैं तो आप ये मान के चलिए कंफर्म है आपका हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। RO की बात कर रहा हूँ, और RM में आप +5 कर सकते हैं, यानी कि 5 नंबर प्लस कर सकते हैं। RO की बात कर रहे हैं तो 110 से 115 के बीच आप सेफ स्कोर है, मिनिमम बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि मैं बता दूँ 70 तो वो नहीं यार, वो जेन्यून नहीं है, ठीक। जेन्यून मेथड यही है कि 110 से 115 के आसपास जा सकती है। अगर आप में से किसी के भी 110 से 115 के बीच आ रहे हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं, तो आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं रनिंग की, और कम कम टाइम दीजिए, पूरा टाइम मत दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को टाइम दीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, बस सब कुछ बताऊंगा।
फिलहाल इस वीडियो में यह था कि आपका जो 110 115 वाले हैं उससे ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट और आंसर की मैं काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, तो आंसर की मैं बात नहीं करता हूँ। हो सकता है दी जाए या फिर ना दी जाए, दोनों चीज़ बराबर है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं आपके रिजल्ट की, अब सबको पता होगा कि आपका फेज़ टू पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है, तो आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको दिसंबर में इसके बारे में पता चल जाएगा कि आप पास हैं या फिर नहीं हैं। आपका रिजल्ट ये मान के चलिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा रिटेन एग्ज़ाम का दिसंबर में, तो आप इस चीज़ से टेंशन मत लीजिए और आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कट ऑफ से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया। जो जेन्युइन आंकड़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है, आपको जो सही लगता है वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि 40 नंबर वाले भी रनिंग करें तो आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्लीज़ जो चीज़ जेन्युइन है उस पर भरोसा कीजिए, इस तरह आपका टाइम ही वेस्ट होगा और किसी का कोई वीडियो बना के चला जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे और थोड़ा अपना दिमाग लगा लीजिए यार, कॉमन सेंस, ठीक है, जिसको कहते हैं। यही चीज़ बस समझानी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।